हाय दोस्तों, मैं दीपक और आप सभी के लिए मैं इस कोरोना की महामारी के चलते कुछ लाइनें लेकर आया हूं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी लाइनों को समझिएगा जरूर। कि समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं ये अध्याय, जिसका ना कोई हल है और ना कोई उपाय। ना जाने कहां से आई ये बीमारी है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसी महामारी है। क्या होगा परिणाम इसका, सबको ये डर है। बचने का एक तरीका सिर्फ अपना घर है। वो कहते हैं ना, भय अंधेरे का हो या फिर गब्बर का, सुकून अपने घर पे ही मिलता है। पर कुछ लोगों के ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई है। कोरोना के बढ़ते केस ये उन्हीं की लापरवाही है। सच्चा इंसान वही है जिसे दूसरी जिंदगी की कद्र होती है। और मेरे यार, अंधविश्वास की भी एक हद होती है। उन 1000 लोगों का ये हाल देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। और जो साला चंद दिन अपने घर नहीं बैठ सकता, वो अपने आप को देश भक्त बता रहा है। हो सकता है तुम इस सरकार के विरोधी हो, हो सकता है तुम इस सरकार के विरोधी हो, तुम हिंदू, तुम मुसलमान या तुम लोधी हो, पर यह बीमारी हम भारतीयों की एकता से बहुत छोटी है। इससे हमें नहीं डरना है। हम 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। अब ये गलती किसी देश की हो या फिर हो ये कुदरत का कहर, पर हम भारतीयों की एकता को हिला दे इतना घातक भी नहीं है ये जहर। बस इतना छोटा सा काम हमें करना है, अपनी समझदारी से अपने देश के लिए लड़ना है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, बस कुछ दिन अपने घर में रहो ना। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ, सचमुच हार जाएगा ये कोरोना।